अस्सलाम वालेकुम डियर सूर्याल हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप अपने जमान में रखे। जी आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो 104 इंग्लिश के हवाले से है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें। अब देखें क्विज़ कैसे होता है। सबसे पहले था जी फातमा सायरा क्या करे। आई थिंक ईशा इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस केस। वेल आई डोंट नो फॉर द डायलॉग वी मे अज्यूम दैट। ये क्या हो सकता है कि सायरा हैज़ नो आइडिया अबाउट द केस। उसे इस बारे में कोई वो ख्याल नहीं है, इस आइडिया नहीं है। नेक्स्ट द पार्टी विल सेलिब्रेट हिज रिटायरमेंट। तो हिज रिटायरमेंट विल बी सेलिब्रेटेड बाई द पार्टी। ये पैसे वाइज किया हुआ है, एक्ट वाइज को पैसे वाइज किया गया है। नेक्स्ट देखें जी वट इज़ द पर्पज ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। नेक्स्ट वाटर बॉयल, बॉयल्ड नहीं होगा, बॉयल्स नहीं होगा, हैज़ बॉयल्ड भी नहीं होगा। पानी जो है 100 डिग्री पर उबलता है। और नेक्स्ट देखें द पर्पज ऑफ फिजिट्रिस्ट इज टू माइटिगेट द सफरिंग ऑफ द पेशेंट। गैस द मीनिंग ऑफ द माइटिगेट क्या होगा था? ये मेक माइल्डर जो है उसे माइटिगेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जी ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड डिटेल्स इन अ नैरेटिव एसे आर ऑर्गेनाइज्ड। क्या होते हैं ये? क्रोनोलॉजिकल जो है ऑर्डर कहलाया जाता है ये। नेक्स्ट जो है देखते हैं जी अब यहाँ पर आना चाहिए था वेयर आर यू गोइंग टू कॉल योर फैमिली। जबकि यहाँ पर वो वेयर लफ्ज नहीं है तो इसलिए हमने हाउ यूज़ किया। हाउ आर यू गोइंग, क्या तुम अपने घर वालों को बुलाने जा रहे हो, यूँ हम यहाँ पर कहा जाता है। तो अ वे ऑफ कलेक्टिंग आइडियाज़ अबाउट द टॉपिक इज़ कॉल्ड क्या होगा? ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाया जाएगा ये। नेक्स्ट द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस द मेन पॉइंट और आइडियाज़ ऑफ अ पैराग्राफ इज़ कॉल्ड जो है वो टॉपिक सेंटेंस कहलाया जाएगा। अगर किसी ने क्विज़ करवाने हैं तो स्क्रीन पर ये मेरा नंबर शो कर रहा है, आप लोग यहाँ से रब्ता करके मुझसे क्विज़ भी करा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी आई सजेस्ट यू टू टेक मेडिसिन। आई स्ट्रॉन्गली मैं लाजमी तौर पर नहीं कहते हैं सजेस्ट करना। और व्हाट फ्राम द फॉलोइंग कैन बी यूजफुल इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। क्या होगा ये? ऑल ऑफ दी, जिसमें एनालॉजीज़ भी आ जाएगा, मेटाफर्स भी आ जाएगा, सिमिलीज भी आ जाएगा, ये तमाम इसमें आ जाएंगे। विच ऑफ दीज इज़ अ स्ट्रेटजी ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। क्या होता है? नोट टेकिंग, बस नोट लिखते रहना। लेटर राइटिंग नहीं होता, प्री डिक्टिंग भी नहीं होता, उसमें नहीं होता। नेक्स्ट देर आर सेवरल केसेस ऑफ डिप्रिकिएशन ऑफ पाकिस्तानी करेंसी। कौन सा होगा? ये टॉपिक सेंटेंस कहलाया जाएगा। इट इज़ 1 AM इन द मॉर्निंग एंड यू हैव नॉट गॉन टू बेड। 10:01 बज गए हैं रात का और अभी तक आप बेड पर नहीं गए। व्हाट विल यू मॉम से? तो तुम्हारी अम्मी क्या कहेगी? ओके यू मस्ट गो टू द बेड। ओके अब बेटा अब जान छोड़ दो जागने की, अब जाके सो जाओ। तो यू मस्ट, तुम्हें लाजमी तौर पर अब सो जाना चाहिए। तो चिल्ड्रन यू मे हैव वन कुकीज आफ्टर डिनर। तो यू मे आएगा इसमें। Once you have done something wrong or harmed someone knowingly or unknowingly, you should immediately write a letter of apology. और next है जी which one is the correct tag question? कौन सा होगा? The kid crossed the street did not ही, क्या वो नहीं कर रहे cross? और next है correct closing of a formal letter जो हैगा Yours sincerely। इसका ना यहाँ पर सी होना चाहिए था, yours sincerely होना चाहिए, ए के बजाय यहाँ सी लगाना आपने। अच्छा जी नेक्स्ट है वी हैव टू रश। तो वी मस्ट नॉट मिस द लास्ट होम बस होम। और बस यहाँ पर ख़त्म हो गया है। और अगर किसी को समझ ना आ रहा हो या कोई करवाना चाह रहे हो तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपको क्विज में हेल्प कर देंगे।